हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग काफी अच्छे हो और तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है। एडमिट कार्ड फाइनली इन्होंने रिलीज कर दिया है। जो भी एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर के, जो बच्चे थे जो दिसंबर 2021 में एग्जाम देने वाले थे, ड्यू टू कोरोना पोस्टपोन हुआ था, मार्च में एग्जाम होने वाले हैं। डेट सभी को पता चल गया है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप अपना डेट्स चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था। हॉल टिकट भी रिलीज कर दिया गया है। फाइनली जो एडमिट कार्ड होता है एग्जाम का, उसको भी रिलीज कर दिया गया है इग्नू की वेबसाइट पे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो उसके पहले लेकिन कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। सिंपल सा प्रोसेस है। क्या करना है, इग्नू की वेबसाइट पे आपको आना है। आपको टाइप करना है ignu.ac.in। ये आपको टाइप करने के बाद आपको सर्च का बटन दबाना है, एंटर करना है। एंटर करते ही इग्नू का वेबसाइट ये खुल जाएगा। इस तरीके से नीचे की तरफ आना है, स्क्रॉल डाउन करके अलर्ट्स में देखना, आपको देखना है इग्नू हॉल टिकट, हॉल टिकट दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन, है ना। इस ये जो लिंक है, देखो यहाँ पे एक हाइपर लिंक है नीचे में, देखो एक आ रहा अंडरलाइन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक वेब पेज खुलेगा। ये रहा हमारा वेब पेज, एक नया वेब पेज खुला। यहाँ पे देखो लिंक दिया हुआ, लिंक फॉर हॉल टिकट, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये पेज आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे दो चीजें आपसे मांगी जा रही है, एक तो आपका एनरोलमेंट नंबर और दूसरा आपका कोर्स का नाम, है ना। अगर आप कोर्स कर रहे हैं एम कॉम तो आपको भाई एम कॉम चूज करना है इस तरीके से, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा देखो मैंने एम कॉम चूज कर लिया। और मेरा जो भी मेरा एनरोलमेंट आईडी आईडी होगा मैं वो कर लूंगा, ठीक ना। सपोज ये मैंने कर लिया, करने के बाद मैं इसको सबमिट करूंगा। मैं जैसे ही इसको सबमिट करूंगा आपका जो है हॉल टिकट वो निकल करके आ जाएगा। अभी एनरोलमेंट नंबर नहीं दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है कि एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड, क्योंकि ये एनरोलमेंट नंबर काफी पुराना है ना, और हो सकता है ये सही ना भी हो। तो जरूरी है कि आप अपना एनरोलमेंट नंबर वहां पे डालिए, कोर्स सेलेक्ट कीजिए और फिर एंटर कीजिए, तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो निकल करके आपके स्क्रीन पे दिखेगा आपको, राइट। तो ये मुझे आप जानकारी जो है मुझे आपको देनी थी। अगला वीडियो में मैं बनाऊंगा जहां पे मैं आपको डूज एंड डोंट्स के बारे में बताऊंगा कि एग्जाम में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किन किन चीजों से आपको परहेज करना है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से जाइए और अपनी हॉल टिकट को डाउनलोड कीजिए। मेरे स्टूडेंट्स जो भी हैं कॉमर्स की पाठशाला के, अगर उनको डाउनलोड करने में किसी भी तरह की दिक्कत होती है, आप मेरे साथ अपना एनरोलमेंट आईडी शेयर कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे आपका एडमिट कार्ड भेज दूंगा, आप प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है, जिनको निकालने में दिक्कत होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।